आपने सही पढ़ा, दुनिया पागलों ने बदली है। जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जानना चाहते हो तो पहिए। एक शख्स था, बोला, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। किसने विश्वास किया होगा उसकी इस बात पर? आपको क्या लगता है, जब उसने लोगों को बताया होगा कि ऐसा हो सकता है तो लोगों ने क्या कहा होगा? हाँ, हमको भी लगता है। नहीं सर, हंसे होंगे लोग उस पर, कैसा आदमी है पागल गधा। और जब करके दिखा दिया तो लोगों को विश्वास हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन, 1093 पेटेंट है साहब उसके नाम, और क्या जिया होगा वो 500 साल, नहीं एक अवीजी लाइफ। आज भी घर में जो इन्वर्टर लगा है, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत लगी होगी। बिजली का मीटर सोचो, कैसे मेजर करता होगा लाइट को कि कितना यूनिट निकला। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देते हैं, इसके पीछे लगी सालों की मेहनत नहीं दिखाई देती। एक और एग्जाम्पल देखो। एक और शख्स था, बोलता था, तरंगों से बात की जा सकती है, उस पर भी दुनिया हंसी होगी दोस्तों। लेकिन उनको भरोसा था खुद पर और कर दिखाया। ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था। दोस्तों, इन बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग आज भी बैठकर खामियां ही ढूंढते होंगे। अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अब तो आपको मेरी इस बात पर विश्वास हो गया होगा कि दुनिया पागलों ने ही बदली है। अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें और लोगों को मोटिवेट करें। इस पोस्ट को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। पहली कहानी हार गया लेकिन खुद से जीत गया, हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे दो सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे दो चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। परिस्थितियों को दोष देना, बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से, फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से
एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। दोस्तों, मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं किया और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है जो कि मैं कर पाया। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। शुक्रिया। ईमानदारी का फल, बेस्ट हिंदी मोटिवेशन स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ईमानदारी का फल, बेस्ट हिंदी मोटिवेशन स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह ये कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंज है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। फाइनली, मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियों का खजाना मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।